नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। बंगाल चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह आधी रात को कोलकाता पहुंचे। इस बात की जानकारी अमित शाह ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा की है। उन्होंने कहा है कि कोलकाता पहुंच गया हूं मैं, गुरुदेव टैगोर, ईश्वरचंद, विद्यासागर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इष्टदेह धरती को प्रणाम करता हूं। शुक्रवार की देर रात अमित शाह कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर अमित शाह के स्वागत के लिए भारी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद थे। अमित शाह के दो दिवसीय दौरे से बीजेपी ने ये साफ संदेश दे दिया है कि अब ममता सरकार के खिलाफ वो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार है। आजकल बंगाल में एक नारा बहुत जोर शोर से गूंज रहा है, टीएमसी याचे बीजेपी आश्चे, मतलब टीएमसी जा रही है, भाजपा आ रही है। पश्चिम बंगाल में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुई हमले की घटना ने बीजेपी को और भी आक्रामक कर दिया है। जेपी नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर गृह मंत्रालय ने डीजीपी और मुख्य सचिव समेत पश्चिम बंगाल के 5 अधिकारियों को दिल्ली तलब कर दिया। इनमें से 3 अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली आने के निर्देश भेजे गए थे, लेकिन ममता सरकार ने इन 5 अधिकारियों को दिल्ली भेजने से साफ तौर पर मना कर दिया है। पहले 3 अधिकारी दिल्ली नहीं आए और अब बाकी के 2 बचे अधिकारियों को भी दिल्ली में पेश नहीं हुए हैं। बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की हत्या और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर मैदान में उतरी है। तृणमूल कांग्रेस ने नेता शुभेंदु अधिकारी गुरुवार को ही पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। आज वो अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल होंगे। दरअसल अमित शाह पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इस दौरान शुभेंदु अधिकारी को अन्य टीएमसी के बागी नेता भाजपा में शामिल हो गए। टीएमसी के विधायक जितेंद्र तिवारी ने भी अधिकारी के बाद अपना इस्तीफा दे दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 से 8 टीएमसी विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। प्राइम न्यूज 24 के लिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट।